दो तहसील मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़क पर बनने वाला पुल 2.5 साल से अधूरा पड़ा है। पुल नहीं बनने से ग्रामीण परेशान है और छुआ और राजिम तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ने के कारण यहां वाहनों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें कि इस मार्ग से गुजरना राहगीरों के लिए मुश्किल हो गया है। बड़े वाहनों को तो 20 किलोमीटर तक का चक्कर काटना पड़ता है और दोपहिया वाहन चालक कई बार जान जोखिम में डालकर नदी के बीचों बीच से अपने वाहन निकालने को मजबूर है। पुल निर्माण में लेट लतीफी होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिलती है। ये पुल बहुत दिन से बन रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। कैसे निकालते हो? ये ऐसे या तो उधर से और रास्ता घूम के जाना पड़ता है, बहुत परेशानी हो रहा है। कैसे करते हैं? पानी कम होता है तो लगता है, पानी रहता है तो ये रहता है तो घर से आ जाते। बाइक को चलाते हुए निकाले, बहुत गड्ढे हैं वहाँ पर, और जैसे ही गाड़ी को निकालते रहते हैं ना तो वहाँ पर रहती है जो चक्के, पीछे चक्के, वो दिक्कत होता है, दिक्कत होता है, जाम हो जाता है चक्का, कभी कभार बंद हो जाता है।